वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनकर तैयार है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। रेलवे आर्क ब्रिज भारत में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दो गांव बक्कल और कौड़ी के बीच बहती चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। आर्क ब्रिज इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इस पुल की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2002 में की गई थी। उन्होंने 2004 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इस बीच 2008 में इसका काम रोक दिया गया, लेकिन 2010 में फिर से काम शुरू हुआ। इसे 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस बीच तमाम अड़चने आती रही और पुल का काम डिले होता रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दिया गया। इस बार इसका निर्माण कार्य 2019 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई। 2022 की डेडलाइन से पहले ही इस बार पुल बनकर तैयार है। इस पुल की कई खासियतें हैं। ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है और नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये ब्रिज फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये पुल रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। पुल ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्मिंग सिस्टम से लैस है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ब्लास्ट प्रूफ स्टील का प्रयोग किया गया है। 40 किलोमीटर का विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। रोप वे लिफ्ट की सुविधा है, उसमें सेंसर लगे हैं। 100 किलोमीटर की स्पीड से इस पुल से ट्रेनें गुजर सकती हैं। कई चुनौतियों से गुजरते हुए इंजीनियरों ने इस पुल को तैयार किया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए कुल 25,000 मीट्रिक टन स्टील लगाया गया है। माना जा रहा है कि आजादी के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में ये पुल मील का पत्थर साबित होगा, जो विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन नमूना पेश करेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 38 टनल है, जिसमें सबसे लंबी टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। ब्रिज को बनाने के लिए खास तरह के दो केबल कार बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 20 और 37 मीट्रिक टन है। रेल अधिकारियों का कहना है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर हवा चली तो इस पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।